Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. Vijayji साहब, आप राजनीतिक शख्सियत हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ममता बनर्जी की सरकार को क्लीन चिट मिल सकती है इन तीनों पर्टिकुलर मामलों में जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ चाहे महतो की बात हो चाहे दुलाल कुमार की चाहे धर्मो हाजरा की देखिए राजनीतिक हिंसा किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है हम उसका मजम्मत करते हैं उसका समर्थन नहीं करते हैं लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा दलित की हत्या करके जिसकी पेड़ पे लटकाई गई थी उसकी हत्या में जो गिरफ्तार हुए वो कौन से संगठन के थे ये एक सवाल बनता है उसका सवाल देश को चाहिए ठीक है थे ना नाम भी आया मैं उसका नाम नहीं लूंगा संगीत भाई को भी पता है नहीं ना सुन लीजिए संगीत भाई जवाब देंगे <clears throat> कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है बल्कि पूरी दाल काली है बंगाल के अंदर दलित प्रेम मुस्लिम प्रेम बीजेपी के कहना चाहिए बड़ा उमड़ उमड़ रहा है इलोरे मार रहा है लेकिन कलकत्ता गुजरात के अंदर नहीं नज़र आता उत्तर प्रदेश में नज़र नहीं आता मध्य प्रदेश में नहीं नज़र आता ये प्रेम देश तो ये भी जानना चाहता है ना आपका दुश्मन कौन है बीजेपी की ममता मैं मैं तो इंसानियत की, तो तो की बात कर रहा हूँ आपसे मेरा कोई दुश्मन राजनीतिक शख्सियत है मैं की बात कर रहा आपसे दुश्मन नंबर राजनीत कौन सा राजनीति में नरेंद्र मोदी मैं हत्याओं का दुश्मन हत्यारों का दुश्मन तो हत्या का हत्या जो भी करेगा पश्चिम बंगाल में हुई देश के अंदर कैसी जिम्मेदारी हुई देश के जिम्मेदारी बोलिए ना सुन लीजिए बोलिए ना सलाह वही का लेकिन जिस दलित को मार के पेड़ पे लटकाया जाता है ग्यारह बजरंगी उसमें पकड़े जाते हैं तो ये सवाल जानना चाहता है पकड़े क्यों पकड़े गए ठीक क्यों पकड़े गए आपको लग रहा है सुप्रीम जो सोमनाथ सिंह बोल रहे हैं वो ठीक बोल है। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी अरे आप एजेंसी कह रही है अरे तो ठीक है कहा ग्यारह बजरंग बात पे जवाब लेता हूँ संगीत ग्यारह बजरंग संगीत रागी सुप्रीम प्रदेश के बारे में हत्या करवा रहे पूछ रहा